गुरुवार देर रात की है। शुक्रवार सुबह ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो हादसे का पता चला। चश्मदीदों के मुताबिक छत लोहे के एंगल पर डाली गई थी जो उसका भार नहीं सह सकी और छत गिर गई। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं, क्या निर्माण कार्य में सावधानी नहीं बरती गई, क्या नियम के मुताबिक निर्माण कार्य नहीं किया गया, कई लोग सवाल के घेरे में। लेकिन खबर यह भी है कि मलबे में एक और मजदूर फंसा हुआ हो सकता है। तो हादसे के बाद क्यों जागता है प्रशासन, राजस्व विभाग ने दस्तावेज की जांच क्यों नहीं की, मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल हैं। क्या निर्माण नियम के मुताबिक चल रहा था, अवैध निर्माण था तो प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया। घटना है ममता पति कन्हैया लाल व अन्य की जमीन है, लैंड डाइवर्टेड है। इस पर जो निर्माण हो रहा था उसके संबंध में बताया गया कि कल ही स्लैब वगैरह डला था इसमें और उसी के नीचे पांचों लोग सो रहे थे और सवेरे घटना है तो दुखद हादसा हो गया। अब इसके संबंध में जानकारी ये ली जा रही है कि चूंकि चोरन नदी नज़दीक है तो क्या वन विभाग से कोई अनुमति दी है या पंचायत से अनुमति ली गई है, चूँकि राजस्व विभाग से किस प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। और साथ में जैसा बताया जा रहा है कि ये उचित मापदंडों के अनुसार इसका निर्माण नहीं हुआ है तो तत्संबंध में चूंकि तकनीकी विषय है पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर आ रहे हैं उसके बाद में कुछ विस्तृत बताया जा सकेगा कि उचित मापदंडों के अनुसार बना है या नहीं। प्रथम दृष्टया देखने पर तो लग रहा है कि जो मापदंड चोरल रिवर रिसोर्ट में हुए देर रात हादसे में कल चार मजदूर और एक ठेकेदार की जान चली गई। ये जो आप इस वक्त तस्वीर में कॉटेज देख रहे हैं इसी कॉटेज के नीचे वो सो रहे थे। तीन से चार दिन पहले ढलाई की गई थी, कल जब रात को तेज़ बारिश हो रही थी तो ये पांचों लोग आके इसी कॉटेज के नीचे सो गए और ये जो पूरा छत है वो छत गिरने की वजह से उनकी जान चली गई। यहाँ मौके पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। कब से यहाँ पे काम चल रहा था? तकरीबन एक साल से। एक साल से कैसे ये पूरा हादसा हुआ? सुबह जो चौकीदार काका है वो सुबह आए थे, उन्होंने देखा यहाँ पर कि छत गिरी हुई है, उन्होंने आसपास आवाज़ लगाई, कोई दिखाई नहीं, उनको लगा सबके सब अंदर नीचे दबे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, मैं आया, मैंने देखा, पांच छह लोगों को और बुलाया मैंने, उसके बाद में हमको लगा हमसे नहीं हटेगी। उसके बाद मैंने तुरंत 108 और पुलिस को सूचित किया, उसके बाद में फिर कार्रवाई हुई, निकाला गया। और जब यहाँ चौकीदार काका आए थे जब किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी अंदर से, बाकी क्रेन जो है वो लेट आई है, 3-3.5 घंटे आई है। मतलब लेट क्रेन जो है वो लेट आई, शायद अगर वो पहले आ जाती तो कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। जब आप लोग यहाँ पहुँचे तो लोग जिंदा थे? कुछ वो चौकीदार काका है उन्होंने करीब से सुनी थी आवाज़ आ रही थी, और जो ठेकेदार थे वो उस कोने पे थे सामने और वो बैठे हुए थे, शायद उन्होंने सोचा था कि भजन को संभाल लेंगे क्योंकि वो थोड़ा हेल्थ में थे, उनको लगा कि वो भजन संभाल लेंगे, बाकी लोगों को बचा लेंगे। अंदर से आवाज़ आ रही थी, उसके बाद में फिर बहुत लेट हो गया और उसके बाद में दूसरे लोगों को बचाते बचाते ही उनकी जान चली गई। ये यहाँ नीचे की ओर वो फंसे हुए थे, कुल कितने लोगों की जान गई है? पांच लोगों की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बक्सात, मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18।